फूड मेरी दिल्ली आई हुई है मयूर विहार फेज 1 और आज हम खड़े हुए हैं आंटी जी के पास, जो आज हम इनकी टमाटर चाट टेस्ट करने के लिए वाले हैं, जो कि गोलगप्पे के पानी से बनाई जाती है। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल दिया गया है। ऑयल डाला, ऑयल डाल दिया, फिर लहसुन। अच्छा, लहसुन रहता है? हाँ जी, लहसुन रहता है, हरी मिर्च। तो पूरी चटपटी चाट बनने वाली है, यूपी की चटपटी चटोरी चाट। और इसमें प्याज भी होता है। तो यहाँ पे प्याज डाल दिया है। अरे वाह, तो इसे भुना जाएगा। ये मैं बहुत अलग चाट देख रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है आंटी जी? ये टमाटर इसको इसमें मैश कर लेंगे ना, फिर डालेंगे इसमें टमाटर मैश करके। तो एक चाट में कितने टमाटर रहते हैं? एक चाट में 2 टमाटर रहता है। टमाटर चाट का 60 रुपए की फुल प्लेट है, हाफ प्लेट 40 रुपए की है। हाफ में 1 रहता है टमाटर और फुल में 2 रहते हैं। अच्छा, तो ये टमाटर यहाँ पे डाले जा रहे हैं। तरीके की चाट मैं पहली बार देख रही हूँ, और अगर आप बिल्कुल कानपुर का टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। ये टिक्की है, आलू वाली, और ये गोलगप्पे का पानी। हाँ जी, बिल्कुल चटपटी होने वाली। हाँ जी, खट्टी चटपटी होती है, पता आ जाएगा मेरे को इतने मसालेदार यहाँ पे देख के। गोलगप्पे का पानी इसमें यह है, मैं पहली बार देख रही हूँ, गोलगप्पे का पानी थोड़ा यहाँ पे कुक होगा। हाँ जी, पड़ेगी। इसमें क्या डाल रहे हो आप पानी? मटर, 2 व्हाइट वाली मटर होती है, उसको हम बना के रखते हैं। तो ये मटर तो उबली हुई मटर रहती है? उबली हुई होती है। अब नमक कौन सा यूज कर रहे हैं? मुझे अलग लग रहा है थोड़ा। काला नमक है। ये धनिया मसाला है, धनिया और इसमें काली मिर्च, मतलब सारा मसाला मिक्स हुआ है। ये कुटी हुई मिर्च, ये वो डेगी वाली मिर्च जो आती है, कसूरी वाली लाल मिर्च जो आती है। ये जीरा मसाला। तो सारे मसाले जला चुके हैं इसमें। और फिर से गोलगप्पे का पानी। नींबू, मेरे को तो अभी से पूरे जायके लग रहे हैं कि कितना चटपटी होने वाली है। ये बीजे निकाल रही है आंटी जी, तो आप कलर देख सकते हैं। वाह, चाट का कितना बढ़िया मसालेदार यहाँ पे कलर आ चुका है, मेरे को तो देख के मजा आ गया। तो अभी परसी जा रही है। तो अब क्या डाला जा रहा है? जीरा मसाला सजाने के लिए, प्याज स्वाद के लिए भी, इसमें आलू भुजिया, और ये होती गोलगप्पे की पापड़ी, या गोलगप्पे बोलो या पापड़ी बोलो। अभी तैयार हो गई है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये हमारी टमाटर की चाट यहाँ पे रेडी हो गई है, आंटी जी ने यहाँ पे बनाई है, बहुत ही बढ़िया। आंटी जी स्माइल कर दीजिए एक बढ़िया सी। नमस्ते। नमस्ते, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? हमारा गीता गुप्ता। अब ये तो मतलब काफी दिन से है दुकान हमारी, 20 साल हो गए यहाँ से। ये चीज अभी चालू हुई है, ये हमें थोड़ा सा काम आता था ना ये वाला, इसलिए हमने ये चालू किया। हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, कानपुर के रहने वाले हैं। हमारा वो काम था ना, तो ये फिर सोचा कि चलो ये भी चालू कर लेते हैं यहीं पे। तो आंटी जी, क्या मैं आपकी एज जान सकती हूँ? आपकी एज क्या है? 50 साल हो गए। ये तो टमाटर चाट है, हम लोग कानपुर का ही सामान रखते हैं, जो हमारे कानपुर में चलता है वही रखते हैं। जैसे मतलब मटर टिक्की हो गई, मटर पापड़ी हो गई, भल्ले पापड़ी है, आलू चाट भी है, ये टमाटर चाट है। सारे मसाले अपने यहाँ से ही तैयार करते हैं, बाजार का नहीं होता कुछ भी। तो मेरे पास यहाँ पे कानपुर की स्पेशल टमाटर की चाट यहाँ पे आ चुकी है। आपको ये कानपुर नहीं जाना पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली में रहते तो आप दिल्ली में ये टेस्ट कर सकते हैं। मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे मयूर विहार फेज 1 में। इसमें मसाले डाले हैं, पापड़ी डाली है, बिल्कुल मतलब मेरे को यूपी के खाने की याद दिला दी। वाकई में बहुत ज्यादा बढ़िया है ये दिखने में तो, और जो इसकी खुशबू आ रही है, वाह मेरे को मजा ही आ गया। बातें तो बहुत हो गई, और अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली ये चाट। लाजवाब, इनकी जो चाट है वो फूड मेड दिल्ली की तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, कि आपको अगर आप चटपटे चटोरे हैं तो आपको यहाँ पे आके जरूर ट्राई करनी चाहिए। जो इसमें गोलगप्पे के पानी का जो इसमें फ्लेवर डाला है, मजा ही आ गया। टमाटर की तो डाले हुए, लेकिन इसमें टमाटर का टेस्ट अगर आपको नहीं पसंद तो भी इसमें इतना ज्यादा टमाटर का टेस्ट नहीं लग रहा है, जो कि मेरे को काफी पसंद आया, क्योंकि मुझे पर्सनली इतना ज्यादा टमाटर का टेस्ट पसंद नहीं है। इसमें जो छोले डाले हैं, जो इसमें आलू की टिक्की डाली है, जो ओवरऑल जो मसालों का फ्लेवर है बहुत चटपटा है। तो आई रियली टोटली रिकमेंडेड टू कम हियर एंड ट्राई देयर टमाटर चाट एट वंस। आपकी टाइमिंग्स क्या रहती है आंटी जी? 6 से 11 बजे तक। एड्रेस क्या रहता है आंटी जी? ये आचार्य निकेतन है, लक्की जूस कॉर्नर के सामने। 7 डेज लगाते हैं यहाँ पे। हाँ जी, और मैं जल्दी से यहाँ पे इस टमाटर चाट को फिनिश करती हूँ, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।